आज सुबह हैदराबाद पुलिस ने गैंगरेप करने वाले दोषियों को एनकाउंटर कर दिया। आपको बता दें कि बीते दिनों पहले महिला डॉक्टर के साथ जिन आरोपियों ने गैंगरेप किया था, आज सुबह पुलिस ने उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। दरअसल पुलिस ने बताया कि जब वह क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए आरोपियों को क्राइम सीन पर लेकर पहुंची तो उन्होंने भागने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। लेकिन जब पुलिस को लगा कि वो लोग ज़्यादा दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे में पुलिस द्वारा गोलियाँ चलाई गई, जिसमें दुष्कर्म के आरोपियों को गोली लग गई और उनकी मौत हो गई। इस मुद्दे पर सभी लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बॉलीवुड सेलेब ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एनकाउंटर पर प्रतिक्रिया देते हुए बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने ट्वीट करते हुए लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड जे हो टू तेलंगाना पुलिस फॉर शूटिंग डाउन द फोर रेपिस्ट ऑफ प्रियंका रेड्डी इन एन एनकाउंटर। चलो अब जितने भी लोगों ने ऐसा घिनौना अपराध करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और उनके लिए खतरनाक से खतरनाक सजा चाही थी, मेरे साथ जोर से बोलो जय हो। उसके बाद एक्ट्रेस रकुल सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, हाउ फॉर कैन यू रन अवे आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम लाइक रेप, थैंक यू तेलंगाना पुलिस। उसके बाद अगर बात की जाए, इसी तरह एक्ट्रेस सोनल चौहान ने ट्वीट करते हुए लिखा, आई नो दिस विल स्पार्क मैनी डिबेट बट कैन आई जस्ट से अ बिग थैंक यू एंड सैल्यूट द तेलंगाना पुलिस, यू गाइज आर द रियल हीरो, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, जस्टिस हैज बीन सर्व। आपको बता दें बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, ब्रावो तेलंगाना पुलिस, माई कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको बता दें इस वक्त पूरा देश खुश है, तेलंगाना पुलिस ने उन चार रेपिस्टों का एनकाउंटर कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अगर इसी तरह हर राज्य की पुलिस रेपिस्टों को इसी तरह सजा देती रहेगी तो हमारे देश में दुष्कर्म की घटनाएं बंद हो जाएंगी और दुष्कर्म करने वाले लोगों की रूह कांप उठेगी। हमारे देश में ये गंदी सोच रखने वाले लोगों ने ही माहौल खराब कर रखा है, लेकिन केंद्र सरकार को जल्द से जल्द सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि रेप करने वाले दोषियों को उनके कर्मों की सजा मिल सके। वेब 20 न्यूज़ के लिए राहुल की रिपोर्ट।